गाइस गुड आफ्टरनून, दिस इज वैशु एंड वेलकम बैक विद द न्यू ब्लॉग। सो गाइस आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ, ऑल सेट रेडी। और अभी हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए पूजा के घर। आज पूजा का इनविटेशन है तो चलो देखते हैं और बाकी सब तैयार हुए कि नहीं। ये मॉडल तैयार हो गई हैं, अपनी स्लीपर निकाल ली, अभी देखते हैं क्या पहन के जाती हैं ये। अब ये कैमरा देखते मान झुकी रहेंगी, उठेंगी नहीं तो इन लोग भी तैयार हो जाएंगे। हे गाइस, अभी अपनी ये फटफटियाँ निकल चुकी है मेरी और टुल्लू भाई की, और बैठते निकलते हैं पूजा के घर के लिए। उन लोग हनी रिनी बुलेट से आ रहे हैं तो अभी देखते हैं उन लोग कितनी देर में पहुंचते हैं। तब तक मैं और टुल्लू भाई चलते हैं उसके घर की तरफ। ये देखिए भीड़, पहले के टाइम में इसी से ऊन बनता था लेकिन आज की जनरेशन। पूजा के घर का कहाँ है भाई? वो रही पूजा, हाथ सेक रही है। ये देखिए किसके किसके यहाँ है, ये चंपाकल। चंपाकल किसके यहाँ, किसके यहाँ है? इसको इसको ऐसे चलाने से पानी निकलता है। देखो अपने टुल्लू भाई ट्राई भी करने लगे। ये पूजा मैडम अभी बच्चों को पढ़ा के आई है, तुरंत ट्रेनिंग देके। क्या क्या पढ़ाई है? छोटा से अनार, ये मिट्टू, ये पूजा के बच्चे। अब भाई इधर आग का मजा, जब ठंड में घूम के आओ इधर आग का मजा लो, वाह अलग ही मजा आती है। मिट्टू भैया, ए मिट्टू भैया देखिए कितने शैतान है। देखिए कह रहा मिट्टू मम्मी, ए मम्मी, इसका मिट्टू बोला ये बिट्टी, मिट्टू बिट्टी, बिट्टी कहाँ है, बिट्टी कहाँ है, बिट्टी नहीं सुन रही क्या? मिट्टू मम्मी मम्मी सुनिया, क्या है क्या है, ये भी कुछ बोल रहा है। वो पूजा की छोटी बहन, ये छोटा भाई, ये सही है, ये सबसे छोटा, वो बीच की है। गोपाल भी, गोपाल से इन लोग बहुत काम कराते, सारे घर का काम गोपाल ही करता है। पूजा के घर में नए नए मेहमान आए हैं। ये टिंडी टिंडी तो पुराना है, देखो नए नए मेहमान आ रहे हैं, आ गए। ऐसा ऐसा लग रहा है छोटी। अच्छा मम्मी मिली, अच्छा तो मेरी क्या तारीफ हुई, तुम छोटी हो। अच्छा बड़ी वाली छोटी है, छोटी वाली बड़ी है। अच्छा ऐसा क्या, देखो सब आए हैं, ठंड का मजा ले रहे हैं, इधर आग जल ली अपनी और इधर मिट्टू से सब बतिया रहे हैं। ये देखो ये आ गया अपना चाय, आ गई गर्मा गर्म और इधर आग, ये चाय, ये लड़की है, ये भूखी प्यासी चली आ रही है। आज का लंच पूजा के यहाँ है तो अभी चाय एंजॉय करते हैं अपनी सब लोग। वैसे टुल्लू भाई को हम लोग लाने वाले नहीं थे लेकिन ये हर जगह पीछे लग लेते हैं तो क्या कहा जाए, व्यवहार मना भी नहीं किया जा सकता ना। क्या करोगे, तो सेठ है तो पेट है, यही देखिए। इधर चाउमीन आ गई है, इधर ये टिन्नी भाई की चाउमीन है। सब लोग अपना आज की पार्टी पूजा की तरफ से, पूजा की तरफ से है आज की पार्टी, तो अभी चल रहे हैं सब लोग चाउमीन एंजॉय करते हैं आग के पास। टुल्लू भाई ऐसा हो नहीं सकता कि रायता ना फैलाए, खाने से पहले ये देखिए पिंजड़े के बाहर रायता फैला दिए। अभी पूजा आएगी बहुत चिल्लाएगी कि मिट्टू को देते देते ये इन्होंने यहाँ गिरा दिया है। सिस्टर का कहना कि मैं घूमूंगी तो अपने पति के साथ, इसीलिए तुमको खुशी हो गई क्या? वाह वाह, देखो ये अपने पति के साथ ही घूमेंगी, हम लोग साथ नहीं घूमेंगी।
ठीक है, ऑल इंडिया ट्रिप। जल्दी शादी करनी है, उम्रदार से ये शादी करेंगी। अरे यार इसके मन मतलब जिसका सुनो जिसका जिसका पैर कवर में लटका होगा उससे ये इनका शादी करने का इरादा है कि ताकि एक साल के अंदर वो मर जाए। समझ रहा था इसके अंदर वायलेंस भर गया भाई। कैसे एनिमल? हाँ अंदर ये है कि कोई बुड्ढे पकड़ के शादी कर लूंगी जल्द से जल्द और उसको घुमाने के बहाने उसका काम साफ। जल्दी से जहर मिला देती हूँ पानी पिए। देख रहे एनिमल पार्क मूवी वाला इनका सीन है कि जल्दी से शादी करेंगी ताकि जिसका कबर में पैर लटका हो जल्दी मर जाएगा और फिर तो कांटेक्ट करें। हाँ और इनका बायोडाटा और फोटो वगैरह लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन मिले। एनिमल इनको ना दिखाया जाए नहीं तो वायलेंस फिर अंदर घर में भी शुरू हो जाएगा। गलत आपने वाली सीन है ना देखेगी ये बाय बाय बोल ली हम लोग को और हम लोग निकल रहे पिकनिक के लिए। तो इधर अपना पिकनिक का सामान तैयार है, चटाई वटाई ले चुके हैं। ये पूजा की स्कूटी रही, ये इधर इन लोग की रही और उधर वो मेरी रही। ये दोनों रेड रेड स्कूटी है, वो एक्टिवा है, ये जुपिटर है। तो गाइस देखते हैं अभी पूजा हम लोग को पिकनिक करने के लिए कहाँ ले जाती है। अपनी तीनों गाड़ी लाइन से लगी है, आगे जुपिटर, देन अपनी धक धक बुलेट और फिर अपनी एक्टिवा। मैडम बैठी है फेस कवर करके पूरा। ये देखिए इधर कैमल, इधर अपनी गाड़ी सारी लग चुकी है और इधर इन लोग एडवेंचर करने को तैयार है। आज सब एडवेंचर करने जा रहे हैं, देखिए एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है और रास्ता बहुत ही ज्यादा बेकार है। तो अभी सबके साथ हम भी निकल दिए हैं। रेगिस्तान है गाइस, इन लोग देखिए कितनी डरावनी डरावनी बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं इस बालू में न जाने कितने लोग दफन होंगे और अभी कोई निकल के इन लोग का पैर पकड़ ले। और खास तौर पे टिन्नी लाल का, वो देखो पैर किसका, तुम्हारा। गाइस यहाँ पर चारों तरफ रेत ही रेत और देखिए एक नया और इन लोग अपना पार्टी करने का सामान लिए सब चल रहे हैं। वो हनी झूला लिया है, वो चटाई ली है और इधर मैं चल रही हूँ। भाई बालू में चलना बड़ा मुश्किल है। लू भाई एकदम बेताश होके ये देखिए बॉटल लेके जा रहे हैं ये रेती में और क्या करने जा रहे हैं ये तो किसी को नहीं पता क्या करने जा रहे हैं। देखिए बॉटल लेके जा रहे हैं लेकिन इधर रेत ही रेत है और लोग ही लोग हैं तो टुल्लू भाई को कहीं जगह नहीं मिल रही करने के लिए। यू नो आप लोग समझ सकते। मुन्नी अपने वतन वापस जा रही है चटाई लेके। देखिए बॉर्डर आज हम लोग पार कर रहे हैं। इधर बॉर्डर किस तरफ है हिंदुस्तान, उस तरफ पाकिस्तान। इधर सीमा क्रॉस कर रहे हैं अपने टुल्लू भाई भी। अब मैं हूँ, अब भाई सीमा आ गई भारत में। अच्छा सचिन के पास है, वाओ सो नाइस बात। लड़कियों खुशबू सूंघता ना तो ऐसे ऐसे मन रहा। ये देख सियार के पैर के निशान। हाँ यार बकरी भेड़ उड़ गई होगी। ये देखिए ये सारे पैर के निशान है। यहाँ पर सियार वगैरह सारे कुछ आते हैं। और देखिए उधर लोग इतनी दूर निकल गए हैं और हम लोग चल नहीं पा रहे हैं इसलिए तो हम लोग पीछे पीछे हैं। बैठने का तरीका तो तुमको पता चल गया क्या? चलो एक और सीमा पार करो। बाघा बॉर्डर पे पहुंच गए। टिन्नी लाल फंस गए बाघा बॉर्डर में। उनको धक्का मार देंगे सामने वाली पहाड़ी पे ले जाके। देख रहे गाइस इन लोग का पिकनिक बहुत महंगा पड़ रहा है और इधर चलते चलते हालत खराब हो गई है। ऐसे बिछा के एक लेट लिया जाए यार। यहाँ बंटी भैया कुछ ढूंढने में लगे हुए। आइए हम लोग देखते हैं। ढूंढना नहीं खाली कर रहा अपना।
ये पानी की तलाश में आए थे, लगता है इनको पानी मिल गया है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे झरने बह रहे हैं पानी के। ये बंटी भैया पानी की तलाश में आए थे, इन्होंने पानी की खोज की है। दे झरना पे झरना निकल नहीं थोड़ा ये है, ये खोज करता है ये पानी की। ये बंटी भैया गाइस देखिए, उन लोग पानी के उस पार पहुंच चुके हैं। वो देखिए पानी के उस पार पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग इतनी दूर है, देख रहे कितना छोटे छोटे। हेलो क्या बना रहा है? अरे हम लोग उधर वाले टीले से आ रहे हैं, इस पार थक गए हैं। मतलब फॉग की वजह से आपको वो टीला भी नहीं दिखेगा। ये देखिए जूम करके दिखा रहे हैं, ये जो ऊंचा वाला टीला आपको दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ से हम लोग आए हैं। और ये देखिए इसकी दूरी कितनी ज़्यादा है, इतनी दूर चल के हम लोग इस जंगल में आए पिकनिक करने के लिए। देखिए ये पेड़ में देसी जंगली बेर लगी है, कितनी सारी लगी है। और इधर किसी ने अपनी गाय भैंस छोड़ दी है। ये पकी हुई बेर देखिए मिल गई है, अपने टुल्लू भाई दिए हैं, तो इसको टेस्ट करते हैं मीठी होगी। खट मीठी बेर है लेकिन बहुत ही टेस्टी लग रही। इसका अचार बन जाएगा ना तो मजा आ जाएगा साला। मस्त लग रही है बेर देसी वाली। पूजा पहाड़ी बन गई है, ठीक है। अरे वो वाला मत इसमें मीठी मीठी वो बेर इसमें तोड़ तोड़ के रख रहे हैं इन लोग। ये देखिए इसमें है, इसके झोले में पूजा पहाड़ी बन चुकी है इस टाइम पे उत्तराखंड की। और ये देसी मैडम आई हुई है, ये इनका भी योगदान है बेर तोड़ने में। ये फालतू के काम में तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती है, बहुत ही मन लगा के। ये देखिए चोरी के मामले में तो निगाहें देखिए कितनी तेज है। मदर नेचर है, तुम पूरा पेड़ उखाड़ लोगे, कुछ धरती का भी है भाई। चुराने के मामले में, ये चोरी करने के मामले में ना चुन चुन के चीज निकालती पक्की पक्की। कनगोर झाड़ी में एक पिल्लू भी हम लोग को मिल चुका है, हम लोग अकेले नहीं है इस रेगिस्तान में। ये जैसलमेर का रेगिस्तान था, उसी के जंगलों में हम लोग आए हुए हैं। ये देखिए ये देखिए, जल्दी आओ गेट बंद करना है, आओ एंट्री बंद हो जाएगी पाकिस्तान बॉर्डर में। ये जमीन के अंदर जनरेटर गाड़ दिए। ये जंगल में इसी सच सिंचाई होती है, बताइए। जमीन के अंदर जनरेटर है और इससे पूरा यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेर के पेड़ हैं और इधर सरसों है। जंगलों को चीरते फाड़ते अब हम लोग को मिल चुकी है एक झोपड़ी, बहुत ही दूर 3-4 किलोमीटर दूर हम लोग पैदल चल गए हैं तो एक झोपड़ी मिल गई है। लग रहा है इसमें कोई रहता है, तो आइए चलिए देखते हैं कौन कौन रहता है। यहाँ एक क्यूट सा पिल्लू मिल गया है, ये अपना क्यूट सा पिल्लू मिल गया है। क्या हुआ, भूख लगी है? ये देखिए पूजा आते मन चालू हो गई है, उधर चना खोट रही है। इधर पूजा के मामा जी चना खोट रहे हैं, उधर पूजा खोट रही है। ये अपने टुल्लू भाई, अपने टुल्लू भाई भी कूद चुके हैं चना का साग खोटने के लिए। और पूजा देखिए अपने सूट में आगे बांध के उसमें चने का साग रख रही है। और चने का साग का पेड़ कितना छोटा छोटा है। गांव में यही सारी देसी चीजें तो रहती हैं जिसको खाने में मजा आता है। गाइस ये देखिए चना का पेड़, उसको तोड़ के खाने में बहुत ज्यादा मजा आते। तोड़ के खोट खोट के खाने में बहुत मजा आता। और ये देखिए पूरा दूर दूर तक चने का ही पेड़ है। पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी है पूरे में, सब कुछ है। ये देसी मटर बिना किसी केमिकल वगैरह के तैयार हुई, इसको बहुत टेस्टी लगेगी ये खाने में। तो गाइस यहाँ पर निकल चुका अपना, इधर आओ दिखाओ, ये अपना सलाद कट चुका है।
इधर सारा पोली कट चुकी है, ये इधर ये है अचार आम का, नींबू वाला अचार, ये नींबू का अचार है, ये सब्जी है, सब्जी दिखाओ, ये पूरी अपनी, ये पूरी आ गई है। तो अभी यहाँ हम लोग का खेत में पिकनिक मन रहा है सब लोगों का, लाइए लाइए हमको दीजिए, चलो। हे गाइस, ये देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग पिकनिक मनाने आए हुए हैं, ये देख सकते हैं सब लोग, ये देखिए गंगा जी के कछार पे आए हुए हैं हम लोग, ये देख ले यहाँ का व्यू। पाल बैठा है अपना वो काय की बाजरे की रोटी लेके, मक्के की रोटी, मक्के की, ये मकई की रोटी लेके बैठा है, इधर आधी रोटी इसको मिली आधी रोटी इसको, दोनों मिल बांट के भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, इन लोग मिल बांट के खा रहे हैं। हाँ, इधर अपनी पूरी सब्जी, ये सब लोग आज खेत में ही इंजॉय कर रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है ये अंकल के खेत पे आके, अंकल भी हम लोग के साथ इंजॉय कर। अच्छा मामा जी आप भी है, अच्छा तो इधर मामा के खेत पे आके अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे खेत में ही सारी चीजें इन्होंने लगाई है, जीरा मेथी चना और धनिया सब कुछ यहीं अवेलेबल है। महिला आप निकल के मार डाले जाते हैं उनको, कुत्ता ला नहीं देखो, अबे पानी में ना जाओ, पानी में जहर होता है भैया, महीने भर का राशन यहीं से लेके जाओगा। हेलो गाइस, हेलो गाइस, सरसों खाइए, देसी गैया घास चरने आई है, ये मुंह कर दो थोड़ा सा नीचे सिनेमैटिक व्यू ले रहा था मैं तुम लोग को ना कदर नहीं है मेरी, वायरल हो जाओगे तुम लोग, बस मेरी मेरी छत्र छाया में रहो, जो लोग साथ में खेती कर रहे हैं वो चूतियां हैं, ये पब्लिसिटी स्टंट हो रहा है। हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे खेत में दो जंगली भैंसे घुस आई हैं, एक तो जंगली सुअर भी है, वो दूरी पे दिख रहा है, बहुत खतरनाक इंसान है। ये देखिए देसी मटर, बिना फर्टिलाइजर की, बिना किसी पेस्टिसाइड की ये होती है, खाने में टेस्ट एक नंबर, एक नंबर टेस्ट। इधर अपने मजदूर लगे हुए हैं चना खोटने के लिए, चोरी करके आ रही दो औरतें, ये मजदूर नया, अभी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, गिर रहा है बार बार, एक तो ऊपर वाले ने माशाल्लाह शरीर दिया कि जंगला रहा है चारों ओर बाल की तरह, पागल औरत देखो, एक पागल वहां खड़ी है, ये खेत में जो काला पुतला नहीं खड़ा रहता है एक ठो, वो डराने के लिए, हाँ, कौवा, कौवा डराने, ये देखिए बिना सर पैर का मजनू, इनको इतना दूर ले आए हैं, इनकी बीवी से दूर, और ये गम में पागल हो गए हैं, खेत में कहीं भी ऐसे गोबर टट्टी में पड़े रहते हैं। ये देखिए कैसे डर के छुप के बैठा हुआ है बच्चा छोटा सा, आओ आओ आओ। तो गाइस दोनों में हो गई लड़ाई, बहुत बेहतरीन तरीके से युद्ध हो चुका है, और इन लोग सुनसान जंगलों में आ चुकी हैं फल की तलाश में, जैसे कि देखिए इन लोग सबरी बन चुकी हैं, राम आएंगे और ये राम होना, वो कौन सा है,
अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे पाप के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। ये देखिए ये लड़की भी अंगना सजाएगी, बेड तोड़ रही है, ये भी सबरी है, इसको सबर बहुत है, देख रहे हैं। गाइस आपको ले चलते हैं इन हसी वादियों में और इस पहाड़ों में आपको मिलता है, इधर देखिए अमरूद का पेड़ ये देखिए इसमें बहुत सारे अमरूद लगे हुए हैं। अभी ये बच्चे हैं, बहुत ही जल्दी बड़े होंगे, जिनको चाहिए होगा वो आ जाएंगे। और इधर इन लोग निकल रहे हैं, अब मैं पीछे रह गई हूँ, मैं भी चलती हूँ, चलते हैं हम भी। इसी से नहाते थे लोग पहले। बंटी भी अपने बीवी के रगड़ेंगे कल ले। देखिए ये करेल मिट्टी होती है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, इसको चेहरे पे लगाने से जो दाग धब्बे जो होते हैं दूर होते हैं। देखो अगर टिंडी लाल नहीं रगड़ पाएंगे तो हम लोग से बताएंगे, फिर ये जितनी पब्लिक आप अपने भाई के लेके गाड़ दो गाड़ दो गाड़ दो इनको जिंदा। बार बार सरहद पार कर आई जा रही है हम लोग को, रुकी रहा पकड़े रहा मेरे घुस जाएगा। चलो तो सब लोग सरहद पार करके आ चुके हैं और हम लोग की ट्रिप सरहद पार करके बहुत ही मस्त रही है। ये देखिए पूरा जैसलमेर की रेत है यहाँ पे पड़ी हुई है और यहाँ पे आपको सेब के बगान भी दिखा दिए हम लोग। सोचो भवानी जैसलमेर में जो तुमने सेब तोड़े हैं उसको इलाहाबाद जाके बेचोगी? तो ये लड़की झोला में लटका के जा रही है अपने सेब। देखिए पब्लिक कितनी हंस रही है। मुटका नहीं था। हाय गर्मी, हाय गर्मी भाई साहब कौन थी? ये कह रहा शाहरुख खान के बगल, शाहरुख खान की जगह इसको फराह खान मिल गई, यानी मैं। आज अपने टुल्लू भाई के है शरीर पे और ये देखिए रेगिस्तान पे आ चुका है ये कुत्ता। अब रहा ये पहाड़ी चढ़ने का टाइम, इन लोग पहाड़ी चढ़ रहे हैं। ये शाहरुख खान की औलाद आ गए हैं, देख रहे हैं टिंग 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 टिंग। गाइस इस जगह को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है, ये रेगिस्तान को। अब हम लोग राजस्थान जैसलमेर से बाहर निकल चुके हैं, यूपी की सीमा में आ चुके हैं। संजय अपना चना सरसों सब अलग अलग कर लो, थके हैं, इसकी सांस ऊपर नीचे हो रही है। तो अजमेर से रोटेट करो, उसको रोटेट करके बाय बाय बोल के आ गए। यहाँ से इधर गाड़ी खड़ी है तीनों, वो अपनी देखता सब अपनी लंबे लंबे सांसें ले रहे हैं और इधर हम भी सांसें ले रहे हैं, बहुत ज्यादा थक गए। ये देखिए उस पार की उस टीले की वो भी नहीं आ रही है, देख लीजिए इतनी दूर से हम लोग आ रहे हैं। तो अब बस निकलते हैं। आजकल गाइस ये भी ब्लॉगर हो गई हैं, बिना गाइस के नीचे इनसे बात ही नहीं होती है। यार इसमें ना डाले, थोड़ा गाइस अपनी तीनों गाड़ी अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है, निकलते हैं। उधर हनी लोग चलो आ जाओ बैठ गए, इधर अपना पूजा मैडम ये रेसिंग लगाते हुए, लेकिन यहाँ का रास्ता थोड़ा सही नहीं है। ये आ गए अब
अभी सब पूजा के मामा की दुकान पे आ चुके हैं, तो ये जनरल स्टोर का सामान गोपाल तब तक बेच रहा है, गोपाल और ये मिलके, ठीक है। हम लोग स्टील के बर्तन वाली पार्टी में हैं, ये सारे ये अपने टुल्लू भाई भी। तुम झाड़ू बेच रही हो, अच्छा। और एक वो मैडम है, मैडम फिनाइल बेचत है, इनका ताल पकड़ ले जिसको टे करना पहले फिनाइल लग रहा कान में, कान को फूल डाल के बैठी है कि आवाज मेरे कानों से बाहर नहीं है। देख रहे हैं ये फिनाइल पिलाने के चक्कर में लगी हुई है, जो आए खरीदे फिनाइल और पी के सहा हो जाए। शादी ब्याह में देने के लिए है। तो बताइए आज आप कुछ अपने बर्तन क्वालिटी बताएंगे। देखिए ग्राफ और ये बताएंगे बर्तन क्या क्या है इनके पास। अच्छा ये मामा जी हैं पूजा के, हम सबके मामा जी हैं। अभी मामा जी चाय पिला रहे हैं, मसाला चाय, तो अभी हम लोग मसाला चाय एंजॉय करेंगे सबके साथ बैठ के। और इधर टुल्लू भाई अपने काम में लग जाते हैं, तो अभी चाय आती है गर्मा गर्म पीते हैं, दिन घर के लिए निकलेंगे। भाई ये रही अपनी मसाला चाय, और देखने में बहुत टेस्टी लग रही है और पीने में भी बहुत सही है। दुकान से हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। ये इधर पूजा, इधर हम ही लोग गए, इधर मैं बेटी। बता दीजिए इसको मेरी तारीफ हो रही थी। तो इधर ये चाय आ गई है, ये लड़की बना के दी है। हम लोग जस्ट अभी घर आ चुके हैं, और घर आने के बाद भाई सब लोग इतना थक गए रेत में चलते चलते। तो चलो गाइस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया, पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।